नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज HDFC बैंक का रिजल्ट आया और रिजल्ट ने हर जगह से मुझे खुश किया है। अगर आप भी एक शेयर होल्डर हो तो आपको भी खुश होना चाहिए। कैपिटल एडिकेसी रेशियो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत कंफर्टेबल रेंज में है। नेट NPA कम किया इन्होंने और जो कि मुझे बहुत खुश करके रखा है। अब एक इंपॉर्टेंट डेटा पर बात करेंगे, ठीक है। रिजल्ट से तो मैं खुश ही हुआ हूँ। आप बैंक की जब परफॉर्मेंस जा करके देखोगे तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में लगभग 3.5% ऊपर ये ट्रेड कर रहा था। वहीं से सुगबुगाहट लग गई थी कि इनका रिजल्ट काफ़ी कमाल का आएगा। मैं यहाँ पर से सवाल पूछना चाहता हूं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे जो वहां पर इंडिया को 107 नंबर की रैंकिंग मिली है, इस पे आपके क्या विचार हैं? और आप में से जितने भी लोग थोड़ा सा मतलब विलेज एरिया से बिलोंग करते हो या आते जाते रहते हो या फिर कोई स्लम एरिया में आपका आना जाना है, थोड़ा बहुत भी जानते हो, तो क्या आप ऐसे किसी फैमिली को जानते हो जो सच में भूखे मर रहे हैं? इंडिया की गवर्नमेंट ने यानी कि सेंटर ने यह बात बोली कि दिस इज़ अटेम्प्ट टू टार्निश इंडियाज इमेज, ये इंडिया की इमेज को धूमिल करने की साजिश है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे मुझे भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 107 रैंक, अगर मैं सही हूँ तो 120 या 125 देश हैं शायद, उसमें से ये तुलना आई है और 107 नंबर पे इंडिया, मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान हमसे बढ़िया। ठीक है यार, मजाक के तौर पे ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन रियलिटी क्या है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ठीक है, ये न्यूज़ मैं द हिंदू के सवार से आप तक पहुँचा रहा हूँ। बाकी आप अपने लेवल पे भी ये न्यूज़ ज़रूर देखे होंगे। इस पे मुझे 2-4 लोगों के कमेंट चाहिए जो मतलब थोड़ा बहुत भी, मतलब गरीब जो एरिया है वहाँ उनका आना जाना अगर है तो, ज़रूरी नहीं कि वो गाँव से ही हों, शहर में भी जो हंगर है अगर है तो हर जगह होना चाहिए ना। आप अगर किसी भी ऐसी फैमिली को जानते हो या आपको मतलब ऊपर नीचे कुछ बातें पता है इसके बारे में, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपके विचार यहाँ पर जानना चाहूँगा। इस वीडियो को छोटा ही रखेंगे। HDFC बैंक से जो उम्मीदें थी वो उन्होंने पूरा किया है। बड़े से जो उम्मीदें होती हैं, बड़े बैंक से, बड़े लोगों से एक जिम्मेदारी वाली उम्मीद होती है ना, और वो जिम्मेदारी HDFC बैंक ने आकर के कंप्लीट की है। अब अन्य बैंकों से काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं कि वो भी अच्छा वाला रिजल्ट पेश करेंगे और शेयर होल्डर्स को एक बढ़िया वाला रिवॉर्ड भी मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना। नमस्कार।